लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया राजघराने से एक एंट्री हो सकती है। वो है सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को ग्वालियर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाने की मांग उठी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर की बजाय मुरैना सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस में अब ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को उतारने की मांग उठने लगी है। दरअसल रविवार शाम ग्वालियर में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक आयोजित कर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और सिंधिया राजघराने की बहू प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, लाखन सिंह और विधायक प्रवीण पाठक, मुन्नालाल गोयल समेत सभी नेताओं ने प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में पास हुए प्रस्ताव को जिला कांग्रेस ने राहुल गांधी को भेजा है। देखिए, ये आम जन ने प्रस्ताव पास किया है, शहर जिला कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी और आम जन सारे पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के ये प्रस्ताव आया है कि यहाँ ग्वालियर लोकसभा से इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रियदर्शनी महारानी साहब को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। ये आम जनता की मांग है और पार्टी निश्चित रूप से इस प्रस्ताव पर निर्णय अमल करेगी, ये आशा है हमको। ये देखिए, आप देखिए कि पूरी कांग्रेस एक है, आप इस बात को नहीं कह रहे हो, पूरी आप ये कहो कि पूरी कांग्रेस एक है। और जो व्यक्ति अगर वो नहीं आए हैं आदरणीय अशोक सिंह जी, नहीं, अशोक सिंह जी से पूरी बात हो गई है हमारे माननीय अध्यक्ष जी की, और ये फैसला सर्वसम्मति से है, ये जनता का फैसला है और जनता चाह रही है कि यहाँ से महारानी साहब। देश में सबसे ज्यादा चर्चित ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद नरेंद्र सिंह तोमर इस बार मुरैना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस में ग्वालियर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कद्दावर उम्मीदवार उतारने की मांग उठने लगी है। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस की ओर से टिकट के सबसे प्रबल दावेदार अशोक सिंह मौजूद नहीं थे। मंत्रियों का कहना है कि अशोक सिंह ने भी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के नाम के लिए अपनी सहमति दी है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के, चाहे तो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, समस्त ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र के सभी हमारे कांग्रेस के जिम्मेदार साथियों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है कि ग्वालियर में लोकसभा उम्मीदवार के लिए श्रीमंत प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को उम्मीदवार बनाया जाए। आपको लग नहीं रहा होगा गुटबाजी कहीं से दिख रही है कि उनसे मेरी बात हुई है, हमारे अध्यक्ष जी की बात हुई है, उन्होंने सर्वसम्मति से सहमति दी है। बोले अगर जो हमारा पार्टी दोनों डीसीसी रूरल और अर्बन जो फैसला करेंगी, जो तय करेंगी, उसमें हम सब लोग तय करेंगे। ग्वालियर लोकसभा सीट से अशोक सिंह ने पिछले तीन चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। 2007 उपचुनाव और 2009 के चुनाव में अशोक सिंह बीजेपी की यशोधरा राजे सिंधिया से मामूली अंतर से हारे थे। वहीं 2014 में मोदी लहर के बावजूद अशोक सिंह बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर से महज 29,000 वोटों से हारे थे। इस बार भी अशोक सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत है। अशोक सिंह दिग्विजय सिंह गुट के नेता माने जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस गुटबाजी से बचने के लिए किसे प्रत्याशी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।